फरीदाबाद जिले में महामारी के दौर में जहां हर तरफ अस्पतालों में बेड खाली नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ होम आइसोलेशन में रहकर भारी संख्या में संक्रमित कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो रहे हैं। फरीदाबाद जिले में घर पर इलाज लेकर ठीक हुए लोगों ने बताया कि जब उन्हें अपने संक्रमित होने का पता चला तो उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट करके परिवार से अलग कर लिया और एक कमरे में रहकर डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों के अलावा देसी काढ़ा पिया और नियमित भाप लेते हुए गर्म पानी पिया। कुछ लोगों ने बताया कि इस दौरान उन्होंने योगा का भी सहारा लिया और देखते ही देखते चंद दिनों में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। डॉक्टरों की तरफ से बहुत मदद मिली हमें, और पहले तो जब हमें पॉजिटिव पाया गया तो डॉक्टरों ने फ़ोन करके पूछा कि आप ठीक हो, तो मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ, तो डॉक्टर ने बोला कि हमें विजिट की ज़रूरत है, तो मैंने बोला कि नहीं फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, तो मैं घर पे ही आइसोलेटेड हूँ। उसके बाद क्या है कि दवाई और गोली की व्यवस्था भी डॉक्टरों की तरफ से की गई थी जी, और फिलहाल जो महामारी चल रही है इसमें जो लोग हैं वो भी काफ़ी ठीक भी हो रहे हैं, और अब जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो बहुत कम हो रही है जी। मुझे लगभग 2 हफ्ते पहले खांसी जुकाम की शिकायत हुई, मुझे लगा ये फ्लू है, मैंने मेडिसिन लिया लेकिन उसमें मुझे राहत नहीं मिली। देन मैंने अपने मेरा भांजा नीलाक्षु वासुदेव जो कि फार्मासिस्ट है उसको कॉल किया, उसने कहा, उसको मैंने बताया कि भाई मुझे लग रहा है कि सिम्टम सारे कोरोना के हैं, तो क्या करना है। कह रहा दीदी ऐसा है कि अब ना इसका टेस्ट करवा लेते हैं। उसने खुद ही लैब से अटेंडेंट को घर भेजा, मेरा टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसने खुद ही मेरे को अपना प्रेस्क्रिप्शन दिया, मेडिसिन वगैरह जो भी दी, मैंने उसको एज इट इज फॉलो किया, तुरंत अपने आप को रूम में क्वारंटाइन कर लिया। मुझे करीब 2 हफ्ते पहले बुखार की शिकायत हुई थी और उसके बाद मुझे लगा नॉर्मल वायरल है, तो मैं दवाई लेता रहा, लेकिन उसके बाद मेरा बुखार नहीं उतरा, तो मैंने अपने सिविल अस्पताल के डॉक्टर हैं, अच्छे मित्र हैं मेरे डॉक्टर संदीप अग्रवाल, उनसे मैंने सलाह ली, तो उन्होंने बताया कि आप टेस्ट करवाइए, और टेस्ट करवाने पर मेरा कोविड पॉजिटिव आया। उसके बाद उन्होंने जो दवाइयाँ मेरे को सजेस्ट की वो दवाइयाँ मैंने घर पर ही लेना शुरू की, और इस दौरान मैंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, खुद को घर वालों से थोड़ा सा दूर कर लिया और दवाइयाँ मैं लेता रहा। मैं पिछले साल खांसी जुकाम हुआ और मैंने जांच कराई, उन्होंने डॉक्टर ने कोरोना पॉजिटिव मेरे को बताया, और मैं अपने घर हॉस्पिटल ना जाकर अपने घर में सारा इलाज किया, देसी इलाज काढ़ा पिया और घर में करोड़ हुआ सारा काम, जो जो कर देसी दवाई करनी थी मैंने वही काम किया, और बाहर नहीं निकला बिल्कुल ही। 15-20 दिन मैंने घर में अपना वो किया काम सारे, और मैं सब भाई बहनों को ये सूचित करना चाहता हूँ, घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर करो अपने हाथ। अब से कुछ दिनों पहले मुझे सर्दी खांसी और बुखार के सिम्टम थे, ये सिम्टम आते से ही मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कहीं मुझे कोरोना ना हो, और ये सोचते हुए मैंने अपने आप को परिवार से आइसोलेट कर दिया। जांच मैंने इसके साथ पैरेलली करवाई, लेकिन अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट किया, चाहे मुझे कोरोना हो या ना हो, अगर हमें सिम्टम भी हैं तो हमें जांच से पहले अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए घर पे। मेरे को पता लगा कि भाई मेरे को कोरोना हो चुका है, मेरे को सिम्टम्स से अपने बॉडी से लगा कि भाई मेरे को कहीं कोरोना ना हो गया, मैं सीधा हॉस्पिटल गया, वहाँ जब कोरोना टेस्ट कराया तो मेरे को वहाँ पॉजिटिव बताया गया। उसके बाद मैंने डॉक्टरों से वहाँ कंसल्ट किया, जहाँ डॉक्टरों ने मेरे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, वो मेडिसिन मैं अपना प्रॉपर तरीके, मैं कोरोना से डरा नहीं। आप अपने घर पे रह के भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मेरे को माइनर था, मेरे को थोड़ा बहुत खांसी वासी थी और चेस्ट पेन था, उसमें कुछ नहीं, मैंने ज़्यादातर स्टीम वगैरह से और वही घरेलू नुस्खे करे, दवाइयाँ ली, डॉक्टर से कंसल्ट किया ऑनलाइन ही, वही घर पे ही अलग क्वारंटाइन होके सबसे अलग एक ही कमरे में, वहीं अपना सब चीज खाना पीना उधर ही, अपना 15 दिन में वहाँ अंदर ही। घर पर रह रहे सभी कोरोना मरीजों का ये कहना है कि जहाँ तक हो सके घर में ही रहें। उन्होंने कहा कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि डर को अपने मन से निकाल देना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।